बुलाइए, आते तुम्हारे पास आते स्पर्श करेगा सारे बंधन यीशु के नाम से, सारे बंधन टूटना यीशु के नाम से, सारे बंधन टूटेगा, अभी टूटेगा, सारे बंधन टूटेगा यीशु के नाम से, सारे बंधन टूटेगा, विश्वास कीजिए यीशु, मुझे स्पर्श कीजिए। बर्तिमियुस ऊंचे आवाज से यीशु के नाम पुकारा, यीशु उसके पास आया। यीशु बोला, उसको बुलाई है, उसको बुलाई है, लोगों जाके बर्तिमियुस के पास जाके बोला, यीशु तुम्हें बुलाते हैं, यीशु तुझे भी बुलाते हैं, जैसे उसने बर्तिमियुस को बुलाया आपको भी बुलाते हैं। अभी आता है, मेरे पास आओ। धक्के मानते भोज में, धक्के मानते लोग, मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम बहुत बहुत जगह गया, ढूंढा, कुछ आश्वास नहीं मिला, शंखाई नहीं मिला, मैं तुम्हें आश्वास दूंगा, बोलते मेरे पास आओ। यीशु बुलाते, यीशु बुलाते, यीशु के पास आओ, यीशु को देखो, आंग बंद करके यीशु को देखो, यीशु बुलाते, उसके गांवों द्वारा हम भले चंगे हुआ है, उसके गांवों द्वारा हम भले चंगे हुआ। स्पर्श करते, सिर दर्द वाले लोगों को स्पर्श करते, सिर दर्द को चंगाई करते, यीशु आपकी चंगाई शुरू किया। यीशु आपको पूछते, अभी मैं तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं तुझे क्या करना चाहते हैं। यीशु बर्तिमियुस को बोला, मैं तुम्हें क्या करना चाहते हैं। यीशु भी आपको बोला, पूछते क्या करना चाहते हैं आज। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं ईश्वर है, इस दुनिया में आया, ईश्वर है, ईश्वर दुनिया में आया, हमारे बीच में है, इम्मानुएल, इम्मानुएल हमारे बीच में, ईश्वर हमारे साथ है। बोलिए क्या चाहिए। पहले दिन, इस शिविर के पहले दिन में यीशु को बोलो, स्पर्श करो यीशु, स्पर्श करो यीशु, क्या चाहिए। बर्तिमियुस बोला, मुझे चंगाई मिलना चाहिए। यीशु को बोला, मुझे स्पर्श करो यीशु, मुझे बहुत तकलीफ है, परेशानियां है, बीमारियां है, मेरे परिवार में भी तकलीफ है, आप स्पर्श करेगा तो, अगर एक शब्द बोलेगा तो मैं ठीक हो जाएगा। मैं विश्वास से अभी प्रार्थना करता हूं, हृदय में हाथ रख के यीशु को बोलो, मुझे स्पर्श करो। प्रभु यीशु जब भी लोगों को पास आया तो उन्होंने उन लोगों को देखकर तरस आ गया, और उन्होंने सब रोगियों को चंगा किया, सब रोगियों को, सब रोगियों को। मत्ती के सुसमाचार में चार अध्याय में, नौ अध्याय में, चौदह अध्याय में, जब प्रभु एक जगह पर आया, बहुत से लोगियों को उठा के लेके गया, और कोई कोई उनका वस्त्र पर छूने लगा, सबों को चंगा किया। आइए अभी हम लोग ऊंचे स्वर से प्रभु को स्तुति कीजिए,
हालेलुया 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 अभी एक एक चीज ध्यान से सुनो, यीशु यीशु नाम में शक्ति है। यीशु नाम क्या है वो शक्ति? यीशु नाम का मतलब क्या है? यीशु नाम एक हिब्रू शब्द है, उसका नाम है ईश्वर रक्षा करता है, गॉड सेव्स, ईश्वर मुक्ति देता है। यीशुए नहीं तो यीशु, इतना करने से वो एक बड़ा प्रार्थना है, बड़ा प्रार्थना है। क्या है वो प्रार्थना? यीशु हमें मुक्ति देता है। आइए हम लोग थोड़ा खड़े होकर प्रार्थना करें। सब लोग खड़े हो जाइए और खड़े हो जाइए। और कितने लोग को कई तरीका से बीमारी है, नहीं तो कुछ बीमारी से चंगाई का जरूरत है, आप लोग हाथ उठाइए। कितने लोगों को कुछ चंगाई का जरूरी है, हाथ उठाइए, या हाथ उठा के पकड़ो और प्रभु को देखो। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारे पास जो आता है तुम किसी को काली हाथ नहीं छोड़ता है। तुम्हारे पास जो आता है किसी को काली हाथ नहीं छोड़ता है। क्या आप विश्वास करता है? क्या विश्वास करता है? क्या प्रभु सबों को चंगा किया? क्या सबों को चंगा किया तो आपको चंगाई नहीं देगा? क्या आपको जरूर चंगाई देगा? आइए तालियां बजाते हुए स्तुति कीजिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, चंगाई दीजिए प्रभु। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। देखो प्रभु ने मार्था मरियम का घर में आया, जहाँ पर प्रभु का खास दोस्त एक लासर मर गया है। लेकिन मार्था मरियम खबर भेजा था, उस वक्त नहीं आया वो। वो क्यों नहीं आया? वो सिर्फ चंगाई देने वाला नहीं, उससे भी बड़ा है, वो पुनरुत्थान देने वाला है। तो लासर मर कर उनका शरीर दफनाया और उसका चार दिवस के बाद प्रभु ने आया और मार्था मरियम से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। तब मार्था बोला, अंतिम दिन में वो जी उड़ेगा जरूर। तब प्रभु ने क्या कहा? मैं हूं पुनरुत्थान। वही हम लोग रोज मिसा बलिदान पर गाते हैं, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन। सब लोग आइए, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन। और एक बार, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन। वही प्रभु यहाँ पर है, वही प्रभु आपका हृदय पर है, जो लासर मरने के बाद चार दिवस के बाद प्रभु वहां पर आकर प्रभु ने कहा, मर्ता से कहा, अगर तुम विश्वास करेगा तो तुम ईश्वर का महिमा देखेगा। महिमा मतलब पुनरुत्थान देखेगा। तो चंगाई मतलब ये है, हमारे जीवन प्रभु का पुनरुत्थित जीवन पर मिलन होता है। आज का पहले पाठ रोमियो का नाम पत्र अध्याय 8 में आग्रह वचन ये था, यदि इफ द स्पिरिट ऑफ गॉड हु रेज्ड, अगर प्रभु ईसा मसीह जो मृतकों में से जी उठा वो आप में निवास करता है, तो आप में निवास करने वाला आत्मा द्वारा
आपका नश्वर शरीरों को पुनर्जीवित करेगा। हालेलुया हालेलुया। बोले विश्वास कीजिए, आप में निवास करने वाला पुनरुत्थित प्रभु है, जी उठाया प्रभु है। बोलिए हालेलुया हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु, बोलिए हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, तू पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान है, तू ही पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान है, पुनरुत्थित प्रभु मुझ में निवास है, पुनरुत्थित प्रभु मुझ में निवास है, पुनरुत्थित प्रभु मुझ में निवास है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं स्तुति करता हूँ, मैं स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, आराधना करता हूँ, तू पुनरुत्थान और जीवन है, तू पुनरुत्थान और जीवन है, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे आंतरिक चंगाई दीजिए, मुझे आंतरिक चंगाई दीजिए, शारीरिक चंगाई दीजिए, मुझे शारीरिक चंगाई दीजिए, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु के नाम से, 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 चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 के नाम पर, यीशु यीशु जीसस जीसस, अभी एक व्यक्ति को जो ये हाथ का मतलब ये क्या शोल्डर को क्या बोलता है, कंधा में बहुत दर्द था, लेकिन वो दर्द दूर हो गया। थोड़ा हाथ उठा के देखिए, जो कंधे में बहुत दर्द था लेकिन अभी आपको दर्द नहीं है, क्या ऐसा कोई है इसमें जो कंधे में दर्द था लेकिन अभी देखिए वो दर्द दूर हो गया है, ऐसा कोई है? कंधे में दर्द था लेकिन वो दर्द दूर हो गया, कौन है आप में जिसमें हाथ उठाओ, ऐसा व्यक्ति हाथ उठाओ जिसको कंधे में दर्द था। अच्छा अभी यहाँ पर नहीं होगा, कोई है क्या जिसको कंधे में दर्द था लेकिन अभी दर्द नहीं है, आप में कोई है? आपको है क्या उन लोग? अच्छा अभी स्तुति कीजिए, हालेलुया 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 हालेलुया, हे प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया
हम लोग सब मिलकर हे बहन जी के लिए प्रार्थना कीजिए. हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो. हे प्रभु यीशु इन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए. इन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए. इन द नेम ऑफ जीसस अभी आप लोग दो व्यक्ति एक साथ खड़ा हो जाइए और एक दूसरे के सिर में हाथ लगाकर प्रार्थना कीजिए. एक दो व्यक्ति एक साथ खड़ा होकर एक दूसरे को प्रार्थना कीजिए. दो दो लोग एक साथ रहकर एक दूसरे को प्रार्थना कीजिए. आप दोनों एक साथ रहकर एक दूसरों को प्रार्थना कीजिए. हालेलुया हालेलुया यीशु की स्तुति हो. यीशु को धन्यवाद. यीशु की स्तुति है प्रभु. यीशु चंगा कर प्रभु. आपके चंगाई बहाइए. आपके चंगाई बहाइए. आपकी चंगाई बहाइए. आपकी आशीष बहाइए. आपकी कृपा बहाइए. आपकी आशीष बहाइए. आपकी आशीष बहाइए. हालेलुया 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 बल 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 और एक बार यीशु को स्पर्श करो. बोलो मसल का दर्द चंगाई करते. विश्वास करो घुटने का दर्द चंगाई करते. घुटने का दर्द चंगाई करते. और सारे रोगों को समर्पण करके यीशु को और एक बार स्पर्श करो. यीशु बोलो आंखों बंद करके और एक बार बोलो. यीशु जगह दर्द है और एक बार भी रखे अभी स्पर्श करने के लिए प्रार्थना कीजिए. विश्वास से यीशु को बोलिए मुझे स्पर्श कीजिए. ये पहले दिन से स्पर्श करके नवीन कर दे.
नाम से बोलिए आज का आराधना पूरा करने के बाद हम भोजन के लिए जाते हैं। भोजन के बाद में हम सोने के लिए जाएगा। शांत रखना, दूसरे किसी को बात नहीं करना। कुछ लोग अभी रजिस्ट्रेशन बैठो बैठो कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करना, और मोबाइल फ़ोन भी सब लोग देना। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का अनुमति किसी को नहीं है, इसलिए हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना। ये तीन दिन मौन रह के प्रार्थना में, दूसरे किसी को बात करने का समय नहीं है, हम ईश्वर से बात करने का समय है, इसलिए किसी से बात नहीं करना। मौन रह के प्रार्थना में रहो पूरा, ऐसा कुछ छोटा छोटा प्रार्थना करके। और जो लोग कुछ शराब और नशा और तंबाक ऐसा कुछ चीज़ का बंधन में है, वो उसमें से रुकावट उसमें से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना करना। ऐसा कुछ चीज़ लाया है तो इधर लाके समर्पण करना। वो चीज़ इस्तेमाल करने का अनुमति नहीं है वो, इसलिए सारी चीज़ कुछ लोग ताबित है और कुछ चीज़ हमारा शरीर में बांधा हुआ है, वो तंत्र मंत्र चीज़ कुछ है वो भी छोड़ देना। ईश्वर का छुटकारा मिलने के लिए सब चीज़ सबका जरूरत है। गेट के बाहर नहीं जाने का अनुमति किसी को नहीं है, कोई बाहर नहीं जाना। और इधर रखना प्रार्थना में, कोई को किसी को बाहर नहीं जाना। अगर कुछ चाहिए तो हमको बोलो, हमारा लोग इधर रहते वॉलंटियर लोग भी है, और मुझे भी पूछना, सिस्टर लोग भी है पूछना, ऐसा कुछ चाहिए तो। इसलिए बाहर जाने का अनुमति नहीं है। शांत में रहना, दूसरों को किसी को तकलीफ़ नहीं देना। वो पानी इस्तेमाल करने के बाद वो टैप बंद करना, वो टॉयलेट भी अभी अच्छी तरह पानी डालना, दूसरों के भी यूज़ करने हैं इसलिए अच्छी तरह इस्तेमाल करना। वो जब उधर से आते लाइट बंद करना, बिजली का पैसा भी खर्चा भी बहुत, इस महीने में हमारा 20,000 है बिजली का बिल, वो इसलिए अभी बहुत हमको भी इतना पैसा तो नहीं मिलते इधर, इसलिए आप लोग हमको सहायता थोड़ा सहायता करना। बिजली भी ऐसा लाइट चालू करके नहीं रखना। और अभी समझ में आया, कल सुबह 6 बजे आएगा हम प्रार्थना करना। इधर से हम क्या सीखते, प्रार्थना, वापस जाने के हम प्रार्थना सीखेगा, प्रार्थना करेगा। इसलिए ब्रदर जी भी हमको व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में हमको सिखाएगा। इसलिए जल्दी सुबह में समय में आना, वो बीच बीच में उड़ के दूसरों को भी तकलीफ़ नहीं देना। वो नींद नहीं है तो उधर बेड में रहो थोड़ा प्रार्थना करके, प्रणाम मरिया ऐसा कुछ प्रार्थना, यीशु मुझ पर दया कर, ऐसा ऐसा छोटा छोटा प्रार्थना करके रहो। कुछ लोगों को नींद का तकलीफ है लेकिन ईश्वर आपको वरदान देगा, इसलिए शांत में रखना। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते, बोला ना 24 घंटा दिन रात हम प्रार्थना करते आप लोगों के लिए। विश्वास करो आपको चंगा हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। 6 बजे मैं बोला ना, 6 बजे सुबह में आना सब लोग। वो आलस्य में नहीं रहना, आलस्य वाले लोगों को ईश्वर का आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए सब लोग 6 बजे आना। जो कुछ है हमारा ये बहुत पहले शिविर में बहुत चौकाड़ा चोरी हो गया, हमारा 100 चौकाड़ा था, बहुत लोग चोरी करके लाए इधर। कुछ लोग ऐसा भी आते
चोरी करने के लिए भी आते, इसलिए तुम्हारा जो चीज़ों है पैसा वगैरह कुछ है देखना, ऐसा कुछ महंगा वाला चीज़ है हमारे पास दे दो, हम रखेगा। मोबाइल फ़ोन किसी को रखने का अनुमति नहीं है, हमारे ऑफिस स्टाफ को देना, वो रखेगा। इसलिए जो लोग, मैं बोला ना मीसा के समय, जो लोग अनुसरण करते हैं उनको आशीष मिलते हैं, जो लोग अनुसरण नहीं करते उन लोगों को शैतान का डर लगते हैं वो। इसलिए हम अनुसरण करने वाला लोग ईश्वर का आशीष पाएगा, इसलिए जो हम आदेश देते ऐसा ही करना। अभी मैं भोजन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, वो भोजन सब लोग खड़े हो जा, भोजन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, ये पिता परमेश्वर जो भोजन हमारे लिए तैयार हुआ है इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो लोग डिवाइन वचन आश्रम को सहायता करते हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं सेवा करते हैं वो आने वाला है, सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ब्रदर थॉमस पॉल उसके टीम के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, वो भोजन को आपका आशीष मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर गुड ने टेक के हम अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। अशांत से अच्छी नींद मिलने के लिए भी प्रार्थना करो, ईश्वर हमारा सहायता करेगा।